हेलो फ्रेंड्स, एनजीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ी तवा वेजिटेबल, जो बहुत ही सिंपल है और इसके फ्लेवर आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसे हम तंदूर स्टाइल में बना रहे हैं, जिसमें तंदूर यूज़ नहीं करके हम तवा यूज़ करेंगे, पर यह आपको बिल्कुल तंदूर फ्लेवर देगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 ब्रोकली, 10 से 12 पीस मशरूम, 1 अनियन डाइस्ड, 1 कैप्सिकम डाइस। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। 2 क्यूब चीज़ ग्रेटेड, 1/2 कप कर्ड, 3 टेबल स्पून मलाई, सौंफ 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून वाइट मिर्च, सॉल्ट एज पर टेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम चीज़ी तवा वेजिटेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए हमने एक बोल ले लिया है, जिसमें हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं कि ब्रोकली के मैंने छोटे छोटे पीसेस निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स, इसको अब हम पानी में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी ब्रोकली को छानकर साइड रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने मशरूम बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मशरूम को भी मैंने आधे आधे पीसेस में काट लिए हैं। इसको अब हम पानी में डालेंगे और फ्रेंड्स, मशरूम को हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मशरूम भी बॉईल हो चुके हैं 5 मिनट तक। अब इसको भी हम स्ट्रेन करके साइड रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने मैरिनेशन रेडी करेंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बोल ले लिया है। उस बोल में अब मैं अपना कर्ड डालूंगी, चीज डालूंगी, मलाई ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, इसमें अब हम अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, चाट मसाला, सौंफ, सॉल्ट, लाल मिर्च, वाइट मिर्च। फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हाइट मिर्च अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काले मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मैरिनेशन रेडी हो रहा है। आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा मैरिनेशन हमने मिला लिया है। इसमें अब अपने वेजिटेबल ऐड करेंगे, ब्रोकली, प्याज, शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, इसमें आप अगर इसको और भी कलरफुल बनाना है तो इसमें आप लाल पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम। फ्रेंड्स, इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे और सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी वेजिटेबल मैरिनेट हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे। अगर आपके घर पे एक हेवी तवा अवेलेबल है तो फ्रेंड्स, आप वो लीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी एक नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर अब हम अपनी वेजिटेबल डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेजिटेबल को 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी लेड को हटा लेंगे और खुली आंच में 5 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें तंदूरी इफेक्ट आ चुका है, अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिश ऑफ द डे को, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें।